हमारी नंद की है एंगेजमेंट, हम जा रहे हैं पार्लर, हेयर कटिंग करानी है, क्लीनअप वगैरह कराना है। हम अपने सिस्टर के पार्लर आए हैं, क्लीनअप हो गया, डिटेल हो गया, हेयर कट हो गया। वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज क्लोज विद द कमेंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, जबरदस्त होगे। सो हमारी नंद की है एंगेजमेंट और शादी भी है, नवंबर में है, अभी एंगेजमेंट है तो उसके लिए हम लोग कुछ तैयारियां वगैरह कर रहे हैं। तो क्या वियर कर रहे हैं वो आपको दिखाएंगे आगे। तो अभी हम जा रहे हैं पार्लर, तो चलते हैं पार्लर और कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह ले लेते हैं, हेयर कटिंग करानी है और क्लीनअप वगैरह कराना है, थ्रेडिंग मैंने करवा ली है। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे वहाँ पहुँच कर। भाभी के साथ जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं वो भाभी की सिस्टर का पार्लर है, तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, आपको मिलाते हैं उनसे और लेते हैं ट्रीटमेंट और थोड़ा पैम्परिंग करते हैं। तो चलते हैं और ये रहा गुरु। गुरु हेलो, गुरु हेलो बोल दो। हेलो राधे राधे, राधे राधे। पापा हैं, पापा हेलो। चलो गुरु चले, तो गुरु रहेगा पापा के साथ, हम जा रहे हैं। सो ये हेयर्स है मेरे जो लॉन्ग हो चुके हैं, लेकिन मुझे इन्हें कट कराना पड़ रहा है क्योंकि स्प्लिटिंग्स हो गए हैं और थोड़े से रफ भी हो रहे हैं बाल, तो थोड़ा सा ट्रिमिंग वगैरह करानी है। तो चलिए देखते हैं लेंथ क्या रखती हूँ, कैसे कटिंग करवाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो व्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो अभी मैं और भाभी आ गए हैं उनकी सिस्टर के पार्लर पे। यहाँ पर भाभी करवा रही हैं पेडिक्योर और मैंने करवा लिया है हेयर कट। तो ये देखिए मेरा हेयर कट हो चुका है। प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस होता है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शॉर्ट हेयर करवा लेते हैं, तो मैंने हेयर शॉर्ट्स करवा लिए हैं और थोड़ी सी कटिंग करवाई है, तो बहुत ही बाउंसी हेयर हो गए हैं। दीदी ने बहुत ही अच्छा हेयर कट किया, दीदी थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम गई थी वहां पर। हाय, हेलो, कहाँ हैं बताइए? हेलो अपने सिस्टर के, हम अपने सिस्टर के पार्लर आए हैं और आकांक्षा भी आई है इस बार। हेयर कट हो रहा है, हेयर कट हो गया है ये दीदी। हेलो हेलो, बहुत अच्छा हेयर कट किया आपने। थैंक यू थैंक यू। और अभी मैंने यहाँ पर करवा लिया है क्लीनअप डी टैन। सो मैं फेशियल वगैरह नहीं करवाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लीनअप करा लिया है। स्किन थोड़ा सा प्योरीफाई हो गई है, क्लीन हो गई है, थोड़ा सा फेयरनेस आ गई है फेस पर। और ये देखिए मेरे यहाँ पर हेयर कट भी हो चुका है और क्लीनअप भी हो चुका है। और यहाँ पर दीदी बना कर ले आई हैं बहुत ही टेस्टी डिलीशियस पुलाव, जो बहुत ही अच्छे लगे मुझे। और दीदी ने ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया कि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। थैंक यू सो मच दी, इतना सारा प्यार देने के लिए, लव यू सो मच एंड थैंक यू। सो पार्लर से आने के बाद नाइट में मैंने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है, पतिदेव को भी मास्क लगाया है जैसा कि आप देख सकते हो। तो हम लोग तो अपनी केयर कर लेते हैं, पार्लर वगैरह चले जाते हैं कभी कभी, लेकिन पतिदेव लोग अपनी केयर नहीं करते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी भी केयर करें। तो हम दोनों ने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है और गुरु यहाँ पर देख रहा है कि मम्मा और पापा ने ये क्या लगाया हुआ है। और अभी गुरु को मुझे करना था पारी, तो गुरु यहाँ मुझे पारी कर रहा है। और यहाँ पर देखिए पील ऑफ मास्क जो है वो ड्राई हो चुका है, तो मैं इसे निकाल रही हूँ। तो ये एवर यूथ का गोल्डन पील ऑफ मास्क है जो 15 मिनट के लिए लगाना होता है, और मुझे लगता है कि इसे लगाने से फेस पर ग्लो आता है, इंस्टेंट ग्लो आता है। तो मैं वीक में वन टाइम जरूर करती हूँ ऐसा। और इससे क्या होता है, जो हमारी डेड स्किन होती है वो निकल जाती है, और जो डस्ट वगैरह होती है फेस पर वो निकल जाती है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स सब निकल जाते हैं, स्किन क्लियर हो जाती है, प्योरीफाई हो जाती है, ऑक्सीफाइड हो जाती है, स्किन को ऑक्सीजन मिलती है और ग्लो तो आ ही जाता है। तो मैंने लगाया था और मेरे ना वाइट हेड्स हैं ना ब्लैक हेड्स हैं, बट पतिदेव के थोड़े से ब्लैक हेड्स थे, तो मैंने लगाया था उनके नोज़ पर और चिंक्स वगैरह पर लगाया था, तो उनके जो ब्लैक हेड्स थे वो इंस्टेंटली निकल आए थे, तो बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। सो पर्सनली मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। मैं किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। सो मैं किसी ना किसी ब्लॉग में आपके साथ ये शेयर करती रहूँ
दूंगी। और ये देखिए यहाँ पर बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट आ गया है और फेस पर ग्लो आ गया है। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट बाई किए हैं जस्ट फॉर ननद की इंगेजमेंट के लिए। जैसा कि मैं आप बोलती रहती हूँ कि मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ और मेरी स्किन को सूट भी नहीं करता है, बट मैंने कुछ यहाँ पर शॉपिंग करी हुई है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना खूब सारा प्यार देते रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।